हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, इसमें हम माइनर और को फैक्टर निकालना सीखेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या किया था, पहली वाली एक्सरसाइज में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। ठीक है, अब हमें यहाँ पे निकालना है माइनर और को फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वर्स निकालने में काम आएंगे। शुरू करते हैं 2/2 के डिटर्मिनेंट से, ये भी ठीक है। अब इसमें माइनर क्या होता है, माइनर को डिनोट करते हैं एम से। ठीक है, तो जो हमारा माइनर्स होता है उसको डिनोट किया जाता है एम से। ठीक, यहाँ पे होता है आई और जे। अब हमें क्या करना है, माइनर निकालना है टू के लिए। ठीक है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले पहला एलिमेंट लेना है, इसका हमको माइनर निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, माइनर ऑफ वन वन, क्योंकि ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है। तो इसका माइनर कितना होगा, इस रो और इस कॉलम को छोड़ देना है, तो जो बचेगा वो हमारा माइनर हो जाएगा। तो कितना आया यहाँ पे, थ्री। अब माइनर निकालते हैं हम एम, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट जो ये माइनस फोर है, इसका माइनर निकालना है। और इसका माइनर निकालेंगे तो अभी हमें माइनस फोर नहीं लेना है, सिर्फ इस रो और इस कॉलम को छोड़ देना है, तो जो एलिमेंट बचेगा वो इसका माइनर हो जाएगा। ठीक, फिर आते हैं हम टू वन, सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, ऐसे कह सकते हो, ये सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ये भी कह सकते हो। तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दोगे तो क्या बचेगा, माइनस के फोर। ठीक है, अब हमको माइनर निकालना है इसका टू टू, तो इस रो को और कॉलम को छोड़ देना है तो बचेगा हमारा टू। ये तो हो गए हमारे माइनर। अब इन माइनर को कोफैक्टर में कैसे बदलना है, इसका बस सिंपल सा फॉर्मूला होता है, को फैक्टर को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए आई जे। ठीक, बस हमें यहां पे सिर्फ साइन बदलना है। ठीक है, तो ये हमारा होता है माइनस वन आई प्लस जे, और यहां पे हो जाएगा हमारा माइनर आई जे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है माइनर का। देखो बच्चों, माइनर और को फैक्टर में सिर्फ साइन का फर्क है। तो जैसे मैं को फैक्टर लिखूंगा इसी एलिमेंट के लिए, इसका माइनर था ये, तो को फैक्टर कैसे लिखेंगे, ए वन वन का जो ये है उसी को लिख देंगे। अब साइन प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है वो देखते हैं। यहाँ पे वन और वन, एक और एक को जोड़ के कितना आएगा, दो, और दो क्या होता है हमारा इवन। तो अगर वन प्लस वन यहाँ पे करेंगे तो ये इवन हो जाएगा, और माइनस वन की पावर टू क्या होता है, प्लस वन। तो कोई साइन नहीं बदलना है, साइन हमको कहाँ बदलना है, यहाँ पे भी वन टू टू वन। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके जहां पे भी ओड आ रहा है बस उसका साइन बदलना है, बाकी और साइन हमको नहीं बदलने। जैसे ए वन टू, जीरो का कोई साइन नहीं होता तो जीरो रहेगा, उसी तरह ए टू वन लिखेंगे, ये माइनस चार है तो ये प्लस का चार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टू प्लस वन होता है थ्री, थ्री होता है ओड, और ओड पावर जब होती है माइनस की तो माइनस ही आता है। उसी तरह हम ये निकालेंगे टू टू, तो जो एलिमेंट है उसी को एज इट इज हम रख देंगे। ठीक, तो सिर्फ हमको ओड नंबर के लिए ही करना है, जैसे वन टू हो गया, टू वन हो गया। अगर थ्री बाय थ्री का है तो हम उसको आगे भी देखेंगे कैसे साइन बदलते हैं। अब आते हैं हम इस पे, यह हमें दिया हुआ डिटरमिनेंट, तो हमको उसके माइनर निकले हैं। तो एम वन वन क्या लिखोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है तो डी, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो आंसर आएगा बी। एम टू वन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आएगा हमारा सी। उसी तरह एम टू टू, तो ये आ जाएगा हमारा ए। तो को फैक्टर लिखेंगे अगर हम ए वन वन, तो ये तो सेम रहेगा डी, इसमें बस साइन आ जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस के बी। इसके अंदर भी साइन बदलेगा माइनस सी, क्योंकि टू प्लस वन थ्री होता है, टू प्लस टू फोर होता है, तो साइन नहीं बदलेगा, तो ए टू टू हो जाएगा हमारा ए। तो ये थे हमारे माइनर्स और ये थे हमारे कोफैक्टर। ठीक है, काफी सिंपल है, कोई इसमें ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं करना। अब आते हैं अगर हम थ्री बाय थ्री का ले डिटर्मिनेंट। देखो बच्चों, ये थ्री बाय थ्री का डिटर्मिनेंट है, अब हमें इसके माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। बेसिकली हम माइनर निकालेंगे, कोफैक्टर को सिर्फ साइन बदल के लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले माइनर निकालते हैं हम एम वन वन के लिए। वन वन हमारा पहला एलिमेंट होता है, इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो हमें क्या एलिमेंट मिलेंगे, फाइव माइनस वन वन और टू। ठीक है जी, अब आते हैं हम
Fe1M12 इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट को नहीं लेना है, बस इस रो और कॉलम को छोड़ देना है, 30 माइनस 12, तो हमको मिलेगा 3 माइनस 102, इसके साथ ही आएगा M13। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देना है, तो जो चार एलिमेंट मिलेंगे हो जाएगा 3501। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले पे, M21। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0412, 0412। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1042, 1042। फिर आता है M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 1001, तो 1001। फिर आता है M31। इसको बच्चों अभी हम सोल्व भी करेंगे, ठीक है। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा हमारे चार एलिमेंट 04, एक सेकेंड, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, हाँ 5 माइनस 1। पहले हमको ऐसे लिख लेना है, सोल्व करना तो को काफी आसान है। फिर M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 3 4 माइनस 2, 1 3 4 माइनस 1। M33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो हमको लेने हैं चार एलिमेंट, तो 1 0 3 5। अभी तो हमने लिख लिया है, अभी हमको सोल्व भी करना है इनको, ठीक है। तो सोल्व करने के लिए हम इसको, अच्छा बच्चा देखो इसको सोल्व करना है, ठीक है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 माइनस माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 11। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 3, इसको सोल्व करेंगे तो ये तो 0, तो ये आ जाएगा माइनस के 4, ठीक। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 2, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1, ये आ जाएगा हमारा माइनस के 20, ठीक। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 1 और माइनस 12 कितने होते हैं, माइनस के 13, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 5, ठीक है। ये हो गए हमारे माइनर्स, ठीक है। अब बस हमको कोफैक्टर लिखने हैं, कोफैक्टर के लिए हमको सिर्फ साइन बदलना है, तो A11 का साइन नहीं बदलते, तो जो है वही लिखेंगे, A12, 1 और 2 3 होते हैं, ओड नंबर है तो साइन बदलना है, तो 6 यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा, A13, 1 और 3 4 होते हैं तो साइन नहीं बदलना है, A21, 2 और 1 3 होते हैं तो साइन बदलना है, तो 4 की जगह प्लस 4 आ जाएगा, A22, इवन नंबर आ रहा है तो साइन नहीं बदलेगा। फिर आते हैं A23, 2 और 3 5 होते हैं तो ओड है, साइन बदलेगा तो आ जाएगा माइनस के 1। फिर आता है A31 में 4 बन जाते हैं, 3 और 1 4, तो साइन नहीं बदलेगा तो -20 एज इट इज। फिर 32, ये साइन बदलना पड़ेगा क्योंकि 3 और 2 5 होते हैं तो प्लस के 13, और लास्ट वाले का साइन हमको नहीं बदलना है क्योंकि 3 और 3 होते हैं 6, और 6 होता है 3 और 3 होते 6 होता है हमारा इवन, और इवन होता है तो साइन नहीं बदलते, ठीक है बच्चों। तो ऐसे निकालते हैं हम 3x3 का, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये, मैंने सेकंड किया है, फर्स्ट जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो ये हो गए इसके माइनर और कोफैक्टर, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 3। अब हमें क्या करना है, कोफैक्टर का यूज करके इसका डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, तो कोफैक्टर का यूज करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, जैसे हमको इसने कहा है कि सेकंड रो का यूज करना है आपको, इस रो का, ठीक है। तो इसका कोफैक्टर क्या लिखेंगे, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट निकालने का तरीका होता है A21, ये जो स्मॉल ए है ये एलिमेंट को दिखाता है और कैपिटल ए कोफैक्टर को, प्लस इसके लिए कोफैक्टर लिखेंगे, या ये एलिमेंट हो गया हमारा A22 और उसका कोफैक्टर होते हैं A22, ठीक। A23
ये एलिमेंट हो गया 1 और सी का कोफैक्टर होता है 8, 2, 3। तो अगर हम एलिमेंट की मल्टीप्लाई उसके कोफैक्टर के साथ करें तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, सेम ही प्रोसीजर है। कोफैक्टर निकालते टाइम हम इसको छोड़ देते हैं, अगर इसको वापस से मल्टीप्लाई करें और सबको ऐड करें तो डिटर्मिनेंट निकल ही जाएगा। ठीक है, जैसा हमने पहली एक्सरसाइज में देखा था, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते थे, एलिमेंट को साथ में रखते थे बाहर, तब मल्टीप्लाई करते थे। तो वही चीज यहां पे है। ठीक है, और ऐसा नहीं है सेकंड एलिमेंट के लिए, अगर आप फर्स्ट के लिए निकालोगे तो इन तीनों एलिमेंट की मल्टीप्लाई इनके कोफैक्टर के साथ करोगे तो आ जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट, वही थर्ड रो के लिए भी है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको कोफैक्टर निकालने हैं, जैसे कि हमको निकालना है ए 2, 1। अब देखो बच्चों, 2 और 1 होते हैं 3 और 3 होता है ओड, तो जब ये माइनस हम निकालेंगे तो हमको माइनस लगाना होगा आगे। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, मतलब कि हमको इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो इस रो को और इस कॉलम को आपको छोड़ देना है। तो 3, 8, 2, 3, तो 3, 8, 2, 3। अब हमें इसको सोल्व करना है, अभी माइनस रखते हैं बाहर, तो 9 माइनस 16, तो यहां पे अंदर कितना बचेगा, -7, तो -7 हो जाएगी +7। उसी तरह हमको कैलकुलेट करना है 2, 2, 2 और 2, 4 होते हैं, तो कोई माइनस नहीं यूज करना है हमको। सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देना है, 1, 5, 1, 8, 3, तो ये हो जाएगा हमारा 5, 1, 8, 3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 15 माइनस 8, तो +7। उसी तरह हमको निकालना है थर्ड एलिमेंट के लिए 2, 3। ये ध्यान रखना हमको सेकंड रो का है तो सेकंड रो होनी चाहिए। ठीक है, अब हमको इस एलिमेंट के लिए निकालना है, तो ये रो और कॉलम को छोड़ देना है, 5, 3, 1, 2, 5, 3, 1 और 2। और क्योंकि 2 और 3 5 होते हैं, 5 ओड होता है, तो माइनस लगाना जरूरी है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 10 माइनस 3, तो यहां पे आएगा -7। ठीक है, ये हो गए कोफैक्टर। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने डिटरमिनेंट की तरफ। तो डिटरमिनेंट के फॉर्मूले में हमको क्या करना है, ये जो एलिमेंट है 2 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करनी होगी, 2 मल्टीप्लाई 7, 0 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, उसी तरह 1 की मल्टीप्लाई -7 के साथ, यहां पे हो जाएगा 14 और यहां से मिलेगा हमको -7, तो इसका जो हमने डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया है वो आएगा हमारा +7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, ज्यादा मुश्किल नहीं है, काफी आसान ही है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हमको यूज करना है थर्ड कॉलम और इसको इवेल्युएट करके बताना है। ठीक है, तो कोफैक्टर निकलेंगे थर्ड कॉलम के, इस कॉलम के एलिमेंट के लिए ही हम कोफैक्टर लिखेंगे। ठीक है, तो ये एलिमेंट क्या होता है, 1, 3, ये 2, 3 और ये 3, 3, तो कोफैक्टर भी हमको वही निकालने हैं, ए 1, 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो हमको क्या मिलते हैं, ये वाला हमको कोफैक्टर मिलता है 1, y, 1 और z। इसका साइन हम नहीं बदलेंगे क्योंकि 1 और 3, 4 होते हैं, इवन नंबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा z माइनस y। अब हमको लिखना है 2, 3, ये जो एलिमेंट है इसके कोफैक्टर लिखने हैं, तो इस रो को हमको हटाना है और इस कॉलम को, तो पर क्योंकि 2, 3 माइनस होता है, माइनस लगाना पड़ेगा, तो 1, x, 1, z, तो ये आएगा अंदर आएगा हमारा z माइनस x, जो कि हो जाएगा चेंज होके x माइनस z। ठीक, अब लिखना है a 3, 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो हमें मिलेगा 1x, 1y, 1x, 1y, इसको सोल्व करेंगे आएगा y माइनस x। तीन को फैक्टर हो गए हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा जो डिटरमिनेंट का फॉर्मूला हम लिखेंगे, जो इसको कहेंगे हम 1, 3, तो a 1, 3 मल्टीप्लाई a 1, 3, a 2, 3 मल्टीप्लाई a 2, 3, a 3, 3 मल्टीप्लाई a 3, 3। ठीक है, तो ऐसे हम एलिमेंट को रखना है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं,
वाई जेड की मल्टीप्लाई करनी है हमको इसके साथ, तो वाई जेड मल्टीप्लाई जेड माइनस वाई प्लस, जेड एक्स की मल्टीप्लाई करनी है एक्स माइनस जेड के साथ, प्लस एक्स वाई की मल्टीप्लाई करनी है वाई माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा हमको कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिलेगा वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, यहाँ पे मिलेगा हमको जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब बच्चों को क्या करना है, वैसे तो हमें इसमें से पहले इसको देखते हैं, इसमें से हमको वाई जेड कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस वाई और जेड कॉमन ले लेंगे। ठीक, अब क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस बार हो गया, तो सबसे पहले ये लिखेंगे हम क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, वाई और जेड बार गए हैं तो बचेगा सिर्फ वाई, ये माइनस का हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा जेड। ठीक है, बाकी जो सारे एलिमेंट है उनको रखते हैं हम अलग। ठीक है, अच्छा हमको क्या करना है, हमें ले लेना एक्स स्क्वायर कॉमन, तो एक्स स्क्वायर किस किस के पास है, एक्स स्क्वायर इसके पास है ये और ये। ठीक, तो इसमें से हमको एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पे बचेगा जेड और ये वाई। ठीक है, अब बचते हमारे ये, देखो इन दोनों के पास एक्स है तो हम क्या करेंगे एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा हमको वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वाई माइनस जेड लाना है, तो वाई को इधर और जेड को इधर लाने के लिए हमको क्या होना, माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस वाई जेड हो जाएगा वाई माइनस जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड। अच्छा, इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड हमारी जो आइडेंटिटी होती है। ठीक, वाई माइनस जेड सबके पास है, कॉमन ले लेंगे तो वाई माइनस जेड आ गया कॉमन, अंदर बचेगा माइनस वाई जेड, यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस के एक्स और वाई प्लस जेड। ठीक है, अब चल तो चलते आगे, एक्स की मल्टीप्लाई अंदर करनी होगी, वाई माइनस जेड माइनस वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, देखो हमें एक्स जेड को इधर ले आना है और ये दोनों अलग रखने हैं। ठीक है, ताकि हम इनमें से कॉमन ले सके, तो वाई माइनस जेड इसको लिख लेते हैं आगे, एक्स जेड माइनस वाई जेड, इधर लिख लेते हैं एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आ गया, अब बस इससे आगे एक दो स्टेप और है और ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा खत्म, या मैं इसको इधर ही लिख लेता हूं, ताकि देखो बच्चों यहां ध्यान देना, इसको इधर ही लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमको अगले पेज पे ना जाना पड़े, तो ये ध्यान रखना, इधर वाई जेड रहेगा बाहर, इन दोनों में क्या कॉमन है, जेड कॉमन है। ठीक है, तो अंदर आ जाएगा एक्स माइनस वाई, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, अच्छा इसमें से एक्स कॉमन लेते हैं, पर मैं यहां पे एक्स जो कॉमन ले रहा हूं माइनस एक्स लेता हूं कॉमन, माइनस एक्स लेने से ये प्लस का एक्स बचेगा यहां पे और यहां पे क्या बचेगा, माइनस का वाई। ठीक, अब इन दोनों के पास एक्स वाई है, ये भी बाहर आ जाएगा, तो यहां बनेगा वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई, अंदर बचा हमारा जेड माइनस एक्स। ठीक है, और यही हमारा इसका डिटरमिनेंट है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, ये। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू है, और ध्यान से करना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो बच्चों ये वाली एक्सरसाइज हो गई, ये खत्म, अब मिलते हैं अपने कोफैक्टर और माइनर कोफैक्टर का यूज करके हम कैसे एडजॉइंट और इनवर्स निकाल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मिलते हैं अगली वीडियो में।